जाति जनगणना को लेकर जेडीयू अब बीजेपी से दो दो हाथ करने का मन बना चुकी है। लिहाजा इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की तैयारी की जा चुकी है। बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बैठक के एजेंडे और कार्यक्रम के बारे में बता दिया गया है। हमारे समझ से तो सभी दल सहमत है और हमने जो कहा कि सभी दलों से बातें हुई हैं, सभी दलों से विमर्श हुआ है और सभी दल एक तारीख की बैठक पर सहमत हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उस दिन सारे दल के लोग आएंगे। और जहां तक बीजेपी की बात है, अभी तक तो बीजेपी ने कभी इसका विरोध नहीं किया है या कभी इससे अलग राय नहीं जाहिर की है। चौधरी ने ये भी कहा कि जनगणना पर राज्य विधायिका के लाए दो प्रस्तावों को केंद्र सरकार द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद राज्य सरकार ने जाति जनगणना करने की अपनी योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया। सरकार के मुताबिक इस बैठक में बीजेपी को भी न्योता भेजा गया है, लेकिन बीजेपी का जाति जनगणना पर रुख इसके उलट रहा है। मोदी सरकार हमेशा कहती रही है कि जाति जनगणना एक विभाजनकारी प्रक्रिया है। पिछले साल लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था कि सरकार की नीति सिर्फ एससी एसटी की गणना करने की रही है, किसी और जाति की गणना सरकार की नीति में नहीं है। हालांकि बिहार बीजेपी इस मामले में गोलमोल रुख अपना रही है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा था कि जातीय जनगणना कराने में तकनीकी और व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, फिर भी बीजेपी सैद्धांतिक रूप से इसके समर्थन में है। हालांकि सुशील कुमार के बयान के बाद भी राज्य स्तर पर पार्टी ने ना तो जाति जनगणना का खुलकर विरोध किया और न ही इसका समर्थन किया। लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि उनकी सरकार जल्द ही सभी राजनीतिक दलों से सलाह मशवरा कर जाति जनगणना का काम शुरू करने की कोशिश करेगी। सेंसस के लिए जाति जनगणना के लिए हम लोगों ने पूर्व से ही कहा है और आप सबको मालूम है कि बिहार विधानसभा ने दो बार इसको पारित किया है और इस बार सभी पार्टियों की बैठक करके और तब इसका निर्णय लेकर के कैबिनेट के माध्यम से इसको स्वीकृत करके इस पर काम शुरू किया जाएगा, यही उसका तरीका है। पिछले साल बिहार के राजनेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने नीतीश की अगुवाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर जाति की जनगणना के लिए दबाव बनाने की कोशिश की थी। उस प्रतिनिधिमंडल में नीतीश कुमार के साथ साथ विपक्षी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी शामिल थे। हम लोग बिहार विधानसभा में उस समय मुख्यमंत्री के सामने हमने प्रस्ताव खुद रखा था खड़े होकर के, चलिए प्रधानमंत्री जी से मिलने एक डेलीगेशन लेकर के, और सब सर्वसम्मति सब दल के लोग प्रधानमंत्री जी से भी मिले और अपनी बात को भी रखा। और इस बात से मुख्यमंत्री भी सहमत थे। जब भारत सरकार ने मना कर दिया, फिर हमने विधानसभा में मुख्यमंत्री जी से पूछा, भाई कब कराओगे? और मुख्यमंत्री जी ने बोला, ठीक है, ऑल पार्टी मीट जो है वो बुलाएंगे। अब बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरने की तैयारी हो रही है। पिछले दिनों नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच नजदीकियां पड़ी है। वो तेजस्वी यादव के घर इफ्तार की दावत में भी पहुंचे थे। एक दूसरी सियासी इफ्तार पार्टी में वे तेजस्वी को उनकी गाड़ी तक छोड़ने गए थे। वहीं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कयास लग रहे हैं, क्योंकि समझा जा रहा है कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार बन सकते हैं। वहीं बीजेपी को अपने उम्मीदवार को नीतीश के समर्थन को लेकर संदेह नजर आ रहा है, क्योंकि नीतीश ने एनडीए में रहते हुए भी यूपीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को समर्थन दिया था। बहरहाल समझा जा रहा है कि हिंदुत्व के मुकाबले में सामाजिक न्याय के योद्धा के रूप में अपना नाम दर्ज कराने के लिए नीतीश कुमार कोई नया सियासी दांव चल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।